हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एनजी के। सो फ्रेंड्स, ऑन दिस चैनल वी डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ लॉ एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एंड अदर लीगल एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कंपैरेटिव लॉ फॉर द यूजीसी नेट फ्रॉम द ईयर 2022-2023। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Next 50, arrange in chronological order the cases relating to US constitutional amendments. तो प्लेसी फर्ग्यूसन आया था 1896 में, फिर लेजर गार्नेट आया 1922 में, हॉक एंड स्मिथ 1920, यूएस वर्सेस स्प्रेवी 1931। तो क्या बन गया इसका, ए बी सी डी वन इज द आंसर। नेक्स्ट है 54, इन विच केस इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस लॉर्ड डेनिंग सेड दैट विद अ गुड मैन in the saddle and the unruly horse can be kept under control. It can jump over obstacles, it can leave fences put up by fictions and come down on the other side of justice. Batao ye kaun sa case tha? It was Enderby Town Football Club. One is the answer. It was on contract law for the acts against public policy and illegal agreements. Okay? ये आया था 1971 में, आर वर्सेस हैंडन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये केस आया था 1933 में, ये था रूल अगेंस्ट बायस पे, ये भी लिख लीजिए। हो सकता है ना कि नेक्स्ट एग्जाम पेपर में यही इनके सीक्वेंस पूछ लिया कि भी कौन सा कब आया था। अमेरिकन साइनामाइड कंपनी वर्सेस फेडरल ट्रेड कमीशन, ये आया था 1966 में, दिस केस वॉज ऑन कॉम्पिटिशन लॉ। नेक्स्ट 55, इन द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द चीफ एग्जीक्यूटिव इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम सैंक्शन एंड पार्टी डिस्प्यूट्स। यस, चीफ एग्जीक्यूटिव इज फ्री टू चूज हिज टीम ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल। यस, टर्म ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड 5 years इन इंडिया, 4 years इन US। इट डिस्करेजेस डिजीज ऑफ डिफेक्शंस। यस, आंसर क्या रहेगा, ए बी डी ओनली, सी इज रॉन्ग, टू इज द आंसर। नेक्स्ट 70, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द ब्रिटिश कन्वेंशन ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 3, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से भी कई काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अमेंडमेंट कहां पर है, आर्टिकल 5 में है, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑन 16 जून 1987 द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ साउथ एशियन रीजनल कंट्रीज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन एक्सट्रैडिशन। दिस इज करेक्ट, हांगकांग पैक्ट ऑन एक्सट्रैडिशन विद इंडिया हैज एंटर्ड इन द मिडल ऑफ जून 1980। नो, दिस इज रॉन्ग, इंडिया जर्मनी साइन एक्सट्रैडिशन ट्रीटी ऑन 27 जून 2001। This is correct. India France signed a treaty on 2002. No, this is wrong. Hong Kong के साथ हुआ था 1997 में, and France का तो ये 2003 में, 2003. ठीक है, तो इसमें ठीक कौन सा हुआ फिर, ANC, तो ANC only, 3 is the answer. Next 64, which of the following statements are correct? In Canada, federation are not voluntary union but are imposed by an act. This is correct. In India, Act of 1935 created autonomous unit and forged them into a federation. This is also correct. The American Union was formed by voluntary agreement among the number of sovereign states. This is also correct. Indian Constitution has been framed by the states and not by the people of India. No, this is wrong. So, answer kya rahega iska, A, B and C only. One is the answer. Next 65, amendment in the American Constitution may be proposed by a Congress with 2/3 majority in both houses of representatives and senate. Yes, 3/4 के लिए no. 3/4 किसका चाहिए, state legislatures का, उसको ratify करने के लिए।
कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कॉल्ड बाय 2/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यस। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कॉल्ड बाय 3/4 स्टेट लेजिस्लेचर, नो। आंसर क्या रहेगा इसका, वन, ए एंड सी ओनली। नेक्स्ट इज 75। अब देखिए ये है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 5 अभी हमने किया था कि अमेंडमेंट है, तो देखिए बना दिया आर्टिकल 5 इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ए का अगर हम देखें फोर्थ, तो ए का फोर्थ एक में ही है, देखो बन गया ना फटाफट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आर्टिकल 3 क्या, जुडिशियस पावर ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। चैप्टर 5 इज कांग्रेस ऑन द ईव ऑफ प्रेजिडेंट इलेक्शन, एंड चैप्टर 4 इज फॉर प्रेजिडेंशियल इलेक्शन नवंबर 7। ठीक है, तो इससे आप मैच कर सकते हैं। अब आगे इसमें और देख लीजिए, 85 कहता है ट्रेंड टुवर्ड्स कोडिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन होल और इन पार्ट इज अ मूवमेंट ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड फ्रॉम एमिनेंट क्वार्टर्स, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले आया यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड एक्ट, फिर आ गया रेफरेंडम, फिर आया स्कॉटलैंड एक्ट। तो क्या बन गया, डी ए बी सी, 3 इज द आंसर, अगेन 3। तो 3 जो है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और मैच द फॉलोइंग, मैक्सिमम जो आंसर है वो 3 है इस पेपर में। अगले पेपर में क्या पता फिर बी हो जाए, अगर आपको लगे ना सीक्वेंस में आ रहे हैं तो देन देयर इज अ चांस दैट कि अगला क्वेश्चन भी वही सेम रहेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में। नेक्स्ट है 88, डोमिनेंट पोजीशन मींस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंजॉयड बाय एन एंटरप्राइज इन रेलेवेंट मार्केट इन इंडिया विच अनेबल इट टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑपरेटिव फोर्सेज एंड अफेक्ट कॉम्पिटिटर्स एंड कंज्यूमर इन इट्स फेवर। नो एंटरप्राइज शैल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, वन इज द आंसर। ये कॉम्पिटिशन लॉ से एक क्वेश्चन, तो कॉम्पिटिशन लॉ से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, मैंने 2 क्वेश्चन देखे हैं, एक पहले था एक ये है। नेक्स्ट है 396, अभी 5 क्वेश्चन ये दूसरे पैसेज से आ गए। इन इंग्लैंड जस्टिस गोज टू द पीपल, इन इंडिया पीपल हैड कम टू द जस्टिस, द लिटिगेंट हैड टू फाइंड दिस वे टू द स्ट्रेंज ट्रिब्यूनल in an unknown land as best he could in charge of police whose tender mercies he dreaded alone। देखिए कितना कुछ लिख दिया है 3 लाइनों में, काफ़ी अच्छे पैसेज आते हैं इनके पेपरों में ना। तो क्वेश्चन है what are the challenges of litigant to seek justice in India and England? In England justice goes to the people, देखिए अभी हमने पढ़ा है ये और वही है, 3 is the answer, first lines, first 3 lines में क्वेश्चन है। नेक्स्ट 398 क्वेश्चन है वेदर इन दी स्ट्रेंज केसेस देर वर एनी कॉमन ग्राउंड्स, नो देर वाज नो कॉमन ग्राउंड, वन इज द आंसर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है देर वाज नो कॉमन ग्राउंड। नेक्स्ट 399 इन दिस पैसेज इट इज सेड दैट ऑल द जेन्युइन डिस्प्यूट्स नेवर रीच द कोर्ट्स, चूज द करेक्ट, मोस्ट ऑफ द जेन्युइन डिस्प्यूट्स नेवर रीच द कोर्ट्स, वन इज द आंसर। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जेन्युइन डिस्प्यूट्स नेवर रीच द our courts at all। Next 397 what are the chances of success of any litigant, batana hai abhi yahan par answer, the chances of success work only if he puts the hand of petty lawyers and touts। Next 400 many injured people never came to the courts because of the following reason, they were debted by difficulties ya fir no interest no sure to win ya fir not arrange witnesses, they were debted by difficulties in the way, one is the answer। इसका मतलब यानी कि रास्ते में डिफिकल्टी मिली, कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते इतना डिफिकल्ट काम हो गया, कहता कि छोड़ ना यार को जो हो गया वो हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच कंट्री द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑब्वियसली कौन है, इंडिया, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 2 रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव पास्ड एन इनएक्टमेंट, तो इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, यूके में भी है, तो तीनों हो गए, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 4 इन कंटेक्स्ट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप द रेजिडुअरी पावर रेस्ट विद द सेंटर पार्लियामेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया एंड कैनेडा, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 5 सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आर सेम कॉन्सेप्ट या फिर डिफरेंट है या फिर सेम इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस इंडिया या फिर डिफरेंट है यूएस एंड इंडिया में, तो
डिफरेंट कंसेप्ट है, सेपरेशन अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दैट इज डिफरेंट. तो टू इसका आंसर रहेगा. 32, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ इज अ, तो क्या मेथड ऑफ स्टडिंग लॉ है ये. 3 इज द आंसर. 33, वी द पीपल द वर्ड्स आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए बोथ. 1 इज द आंसर. 67, अब लिमिटेड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, किसकी लिमिटेड पावर्स हैं, कौन सी पार्लियामेंट की, इंडिया के पार्लियामेंट की लिमिटेड पावर्स हैं. रेजिडरी पावर्स ऑफ स्टेट ये किसके पास है, यूएस की. अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट यूके. कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल कहाँ है, फ्रांस में. तो क्या बन गया इसका, 2, 3, 1, 4. 4 इज द आंसर. मैच करना फिर से. एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देखिए बड़ा फेमस केस था, किस पर था ये, अबॉर्शन पर. जस्टिस चंद्रचूड़ की जजमेंट थी ये, रिसेंट केसेस पूछे हुए हैं ना. अब देखिए ए का 2 देख लीजिए आप, ए का 2 जो है एक में ही है, देखिए आ गया ना आंसर. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज मोहित मिनरल डायरेक्टर किस पर है, अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर. फिर ये सहारा वाला केस पोस्टपोनमेंट ऑफ पब्लिकेशन पर. एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस किस पर है, ये कोलाबरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर पर. तो 4 इसका आंसर हो गया. 74 मैच करना है. ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, और बताइए ये कैसे कैसे कौन याद करेगा इसको. इसमें से मेरे को एक पता है कौन सा, जो कि बड़ा फेमस है. यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, 1787 में. तो देखो सी में जो है 1, 2 में है, तो ये दोनों हो गए रॉन्ग. अब डी का 3 हो गया, ऑब्वियसली देखो ये बन गया, ठीक है ना. अब इससे आप आइडिया लगा लो, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कब आया है, ये 1900 में, और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867. तो 2 इसका आंसर हो गया. 78, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूएसए. तो फेडरल है, प्रेसिडेंशियल नहीं है यहाँ पर इंडिया में, तो प्राइम मिनिस्टीरियल है. फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यस. यूनिटरी फॉर्म, यूनिटरी नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, यस. तो आंसर क्या रहेगा, ए सी एंड ई, 2 इज द आंसर. 79, अरेंज द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ आईपीसी ऑन द बेसिस ऑफ सेंडिंग ऑर्डर. जनरल एक्सेप्शन कितने में है, चैप्टर 4 में, ठीक है. और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है 6 में. फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आता है 8 में. फिर आएगा अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी 16 एंड प्रॉपर्टी 17. तो क्या बन गया, सबसे पहले आया ए, लास्ट में कौन सा आया, सी. तो ए सी ये देख लो, 3 इज द आंसर. 91 पे पैराग्राफ आ गए, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ है यूनिटरी सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर. तो क्वेश्चन नंबर 91 है ये, अमेरिकन हैड टू स्ट्रगल वेरी हार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ सिविल वॉर टू एस्टेब्लिश टू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूअल पॉलिसी ऑफ फेडरेशन वॉज इंडिस्ट्रक्टिबल. 2 इज द आंसर. फिर से वही पैरा है. 92, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर सेम कंसेप्ट है, ऑब्सोलीट है, इरेलेवेंट, डिफरेंट. डिफरेंट कंसेप्ट है ऑब्वियसली. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 93, लाइक यूनियन स्टेट्स आर एंडोर्ड विद सोवरेन पावर, द सोवरेन पावर ऑफ स्टेट इज अनलिमिटेड या डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. 2 इज द आंसर. फिर 94, वट डिड द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉन्ट टू मेक क्लियर एट द आउटसेट दैट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट्री या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूअल पॉलिटी या फिर स्टेट हैड नो राइट टू सेशन. 3 इज द आंसर. 95, आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स दो इट इज अ फेडरेशन. द करेक्ट फ्रेजोलॉजी नीड टू बी द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बिकॉज यूनियन ऑफ स्टेट फ्रेज डज नॉट नेसेसरली मीन यूनिटरी स्टेट. फेडरेशन नीड नॉट नेसेसरली यूज द टर्मिनोलॉजी ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट. यस, कैनेडा इज एन एस्टैब्लिश्ड फेडरेशन बट नॉट यूज द वर्ड यूनियन. ऑल ऑफ द अबव. 4 इज द आंसर.
So friends, here we have discussed all the questions of comparative law for the UGC NET from the year 2020 to 2023. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी है, कोई सजेशन, कोई एडवाइस हो कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक. एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दी एफर्ट्स, काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स, मिनिमम स्टार्स फॉर 20. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.